2014 में जब से मोदी जी आए उसके बाद में एक से एक प्रहार लोकतंत्र पे किया जा रहा है, दूसरी विपक्षी पार्टियों पे किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव जब थे तो 2016 में 8/11/2016 को अचानक रात को देश के प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए, नोटबंदी की। वो नोटबंदी देश के फायदे के लिए नहीं की, उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीता जाए, बसपा का और दूसरी पार्टियों को कैसे वहां पर चुनाव लड़ने से रोका जाए, उनका पैसा कैसे सीज करके बैंकों में लेकर के फिर नहीं दिया जाए, उससे इन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद में आप एक से एक देख रहे हो कि 2019 में फिर पुलवामा, और उसके बाद में अब नेशनल पार्टी कांग्रेस के जो सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश की आजादी में त्याग तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा, उस पार्टी के खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का एक रुपए का खर्चा नहीं कर सके। और ताजा जो 100 करोड़ रुपए के लगभग हमारी पार्टी ने जो डोनेट फॉर देश और डोनेट फॉर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लिया, उसको भी सीज कर देना, दूसरी पार्टियों को डरा देना, अलायंस नहीं करे इसके लिए मजबूर कर देना, और अलायंस करे तो फिर केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के उनको तत्काल आकर के फोर्स ला करके उसको जेल में डाल दे। हेमंत सोरेन के साथ में क्या हुआ आप सबके सामने देखा होगा। और ये तो तब हो रहा है जब देश के सामने सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कह दिया कि ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्डों से जो पैसा लिया गया है ये स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, ये पैसा इलीगल है। एक तरफ जनता का पैसा अपनी प्यारी पार्टी को दिया गया उसको सीज करना, और खुद के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से इलीगल जमा किया हुआ धन ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड डाल करके और काम के बदले पैसा लेकर के किए गए पैसे से एक तरफा चुनाव लड़ना, और ईवीएम का जो गड़बड़ झाला है वो सबके सामने है। इन सब तमाम प्रयासों से देश के प्रधानमंत्री जी जो बार बार कह रहे हैं कि 400 पार, भाई 500 कितनी सीटें, 43 है कितनी है, सारी ले लो, मना कौन कर रहा है। अगर इसी तरीके से करना है, अभी भी मैं राजस्थान का उदाहरण देके कहना चाहता हूं, कुछ हमारे जो उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस में आए हैं और जो जिनको टिकट मिली है उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये कहना कि आप कांग्रेस मत ज्वाइन करो, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में ये कहना कि 25-0 हो रही है आपके लिए ठीक नहीं होगा, इस तरीके की भावभाषा यहां भी चल रही है और देश में, पूरे देश में चल रही है, हर स्टेट की यह हालत है। ये कोई हम भाषण देने के लिए नहीं कर रहे, मेरे मित्र ने कहा कि अभी संबोधन देंगे, हम संबोधन नहीं दे सकते आपको, आप वो क्रीम हो जो सबकी सुनकर के उसके बाद में देश हित में, राष्ट्र हित में, जन हित में जो चीजें होती हैं वो लोगों के सामने पेश करते हो। इसलिए हम तो केवल अपनी बात कह रहे हैं आपके माध्यम से, हम चाहते हैं कि देश के लोगों तक ये बात जाए। ये कहां तक जायज है कि 17-18 की एक गलती उसके ऊपर पूरे खाते सीज कर देना, पैसे निकाल लेना, जितना उनका बनता उतना पैसा उससे दोगुना तो ले लिया उन्होंने और उसके बाद में बाकी का पैसा सीज कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब कानून अपना काम कर रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर 3-2 महीने बाद में अगर ये फैसला आ जाता है कि ये गलत सीज किए गए इसको वापिस खोल दिया जाए, तो क्या आम चुनाव मोदी जी दोबारा करवाएंगे?
क्या हमें हमारे पैसे से चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा? तो कभी पुलवामा, कभी नोटबंदी, कभी खाताबंदी, खाते फ्री, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा स्कीम ऐसे करके, और देश में जो अराजकता का माहौल, जो तानाशाही का माहौल, जो हिटलरशाही का माहौल बना करके एक छत्र राज करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि अब देश के हर नागरिक सोचने के लिए मजबूर हो गया है। हर बुद्धिजीवी वर्ग ये बात करता है कि ये हो क्या रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में 50% से ज्यादा लोग, चाहे वो पदों पे बैठे हों आरएसएस के अलावा, आरएसएस के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारी पार्टी के अंदर। केवल परसेप्शन सेट करने के लिए कि बाकी कुछ है ही नहीं, इसलिए आनंद फानंद में हर दल को तोड़ करके, डरा करके, धमका करके ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, जिससे ही परसेप्शन मिले ये जो जा रहे हैं इनको कुछ नहीं मिल रहा है भाई साहब, समोसा और बिस्कुट भी नहीं मिलेगा, पार्टी की मीटिंग में नहीं बुलाएंगे तो समोसा बिस्कुट कैसे मिलेगा? आप मीटिंग में कोई बुलाता है आता है तभी तो उसको नाश्ता मिलता है, चाय मिलती है, इनको चाय भी नसीब नहीं होगी। लेकिन एक परसेप्शन सेट करने के लिए इनका जो मॉडल है उस मॉडल को प्रयोग करके सबको डरा धमका के, पुचकार करके, बहला करके और ले जा करके एक परसेप्शन सेट कर दो कि हमारी आ रही है। मुख्यमंत्री जी बार बार एक ही बात कर रहे हैं, 25 आएंगी, 5-5 लाख से जीतेंगे। ऐसा कर क्या दिया आपने? ऐसा क्या कर दिया 3 महीने में कि यहां आप वोट मांगने जाओगे? हमारी सरकार ने जो 5 साल में काम किए अगर उसका 1% भी काम कर दें तो हम मान जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी ने या सरकार ने, बीजेपी ने कुछ किया है। आज लोग मारे मारे घूम रहे हैं, हॉस्पिटल के सामने तड़प रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है, दूसरी स्कीम इनकी काम नहीं कर रही है। आज इंग्लिश स्कूल की मीडियम की स्कूलें खोली वो बंद हो रही है, बच्चे कह रहे हैं हम कहां जाएं, गरीब का बेटा पढ़ नहीं पा रहा है। ये हो क्या रहा है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जाकर के केवल ये बना दी हमने गैंगस्टर फोर्स बना दी। भाई जोरदार किया गैंगस्टर फोर्स बना दी तो हम पे वो गैंगस्टर फोर्स काम कर रही है क्या? एंटी गैंगस्टर को गैंगस्टर बोलते हैं, इतना भी काम में नहीं लेते, उसके बावजूद भी करें 25 आएंगी। तो भाई साहब ये जो देश में जो नग्गा नाच चल रहा है, मैं इसको नग्गा नाच कहूंगा कि डराओ, धमकाओ, क्रेश करो, परेशान करो और मजबूर होकर के व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दे और राजा एक ही रहे, बाकी सब खत्म। तो ये जो चीज चल रही है इसके लिए हमने, माननीय गहलोत साहब ने, हमने सबने की है, जूनी साहब भी बोलेंगे, एक को नौकरी नहीं दे रहे, एक की बात नहीं कर रहे, किसान तड़प रहे हैं, उनको अपनी मांग मंगवाने के लिए लिखित समझौते की पालना करवाने के लिए बैठे हैं, और एक तरह पूरे के पूरे खाते सीज, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्ट्रोल बॉन्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, इलीगल पैसा, उससे चुनाव लड़ेंगे और हमारा जनता का एक एक पाई पाई से दिया हुआ पैसा जो सही पैसा है उससे हमको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। इसलिए मैं तो आपसे भी, मीडिया के बंधुओं से, सब अच्छे लोग हैं यहाँ राजस्थान में, मैं आग्रह करूंगा कि हमारी क्रेडिट के ऊपर कोई विज्ञापन व्याख्यापन छाप देना, जब भी होंगे तो हम आपको जरूर देंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। हाँ, पहले पैसे नहीं दे पाए तो ये याद रखना कि गोविंद डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हैसियत से कह रहा है, व्यक्तिगत हैसियत से नहीं, इसलिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आपका पाई पाई पैसा चुकाएगा, जो भी आपको छापोगे छपाओगे तो उसको भी हम करेंगे। इसलिए इस समय में आप मदद करें और एक तरीके से इनको आश्वस्त करें कि आप गलत कर रहे हो। जिस प्रकार से रात को केजरीवाल जी को ले जाया गया, सही है गलत है इसमें हम नहीं जानना चाहते, लेकिन चुनाव के दौरान आचार संहिता के बाद में वो पार्टी का मुख्यमंत्री जेल में बैठा है तो आप बताओ कैसे चुनाव लड़ेगी ये लोग? तो मोदी जी डिक्लेयर ही कर दो। हमारे यहाँ एक बात कहकर समाप्त करूंगा कि हमारे यहाँ प्राइवेट शिक्षण संस्थान एजेंसी कर रहे हैं,
तो एक मां से थे जो 15-20 साल से उनके अध्यक्ष बने हुए थे, तो लोगों ने कहा भाई अब इसको बदलना है। तो सबने चंदा इकट्ठा किया, भोजन रखा, चुनाव की प्रक्रिया तय की गई, चुनाव अधिकारी बनाया गया और उनको सबको बुलाया गया। तो हम लोग भी गए थे, हमें भी साफा पहनाया, उनको भी निवर्तमान क्योंकि वो उस दिन तक थे अध्यक्ष रहने के नाते उनको भी साफा पहनाया गया। तो जो ही उनको साफा पहनाया उन्होंने कहा आपने पुनः मेरे को जिम्मेदारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी जी को ऐसा कर लेना चाहिए जिससे उनका भी इलीगल स्कीम का पैसा बच जाएगा, हमारा जनता का पैसा बच जाएगा। अगर ऐसा ही करना है तो फिर खुद ही कहते हैं कि भाई मैं 5 साल के लिए चुना गया हूं, धन्यवाद। कोई बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, बोलने वाले कम मिलेंगे, नहीं बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे, इसलिए जेड़े भी भरेंगी नहीं उनकी, ऐसा सोच के वो कर सकते हैं।